खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं, भंगारे में बैगन। अब भंगारे बैगन हम किस तरह से बनाएंगे, चलो चलते हैं। अपने ये हम इस तरह से बैगन काटेंगे, बीच में से दो करके इस तरह से हम अपने तमाम बैगन काट लेंगे। अब हम इस तरह से इसको चॉप करेंगे। ये हम इस तरह से करेंगे इस वजह से कि बैगन हमेशा फीके फीके से होते हैं। अब इसमें हम अगर मसाला ऐड करके लगाएंगे तो इसमें भी टेस्ट आ जाएगा, बैगन में भी। इस तरह से हम तमाम बैगन में अपने कट लगा लेंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने सारे अपने बैगन काट लिए हैं। अब इसमें हम थोड़े से मसाला ऐड करेंगे। मसाला लगा के इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। हाफ टी स्पून पिसवी मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ऑयल। अब ये सब हम मसाला लगा के थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। ये इस तरह से हम तमाम बैगन पे मसाला लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपना सेकंड स्टेप पूरा करेंगे, मसाला भूनेंगे इसका थोड़ी सी देर इस तरह से लगा के मसाला। सो व्यूअर्स, ये हमने अपने तमाम बैगन पे मसाला लगा दिया है। अब हम इसको ऐसे ढक के रख देंगे। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने हाफ कप ऑयल लिया है। अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल है क्योंकि सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी लगती है। इसको हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और साबुत मिर्च डालेंगे। लहसुन साबुत मिर्च डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने बारीक चॉप किया कर लिया है। लहसुन हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर हम अपने दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अब हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम बिल्कुल पिंक पिंक सा कर लेंगे, सब कच्चापन निकालेंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे कि प्याज में हल्का सा हमारा कलर आ जाए। अभी हमारी प्याज पिंक सी हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनेंगे इसको। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी मिर्ची, हाफ टी स्पून पिसी मिर्ची, हाफ टी स्पून हल्दी और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, 2 टीस्पून और भुना हुआ जीरा। हम अपने मसाले भूनेंगे। ये हमने 4 अदर टमाटर का पेस्ट बनाया है और उसमें 2 हरी मिर्चें और 4 टमाटर का पेस्ट बनाया है। अभी हम इसमें ये ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, इसलिए हमने नमक उसमें भी डाला है, तो जायके के मुताबिक देख के फिर नमक डालेंगे। अब
हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और टमाटर ये पूरा हमारा मसाला भून जाए अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 मिनट इसको हम पकाएंगे। तो बस देखेंगे हमारा मसाला भून चुका है, हम इसमें अपने बैगन ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसमें बैगन में कच्चा मसाला लगा हुआ है और 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, ये बैगन भी गल जाएंगे मसाला भी गल जाएगा। अब हम इसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बैगनों को। अच्छी तरीके से मिक्स करके मसाले में फिर हम इसको 10 मिनट तक पकाने के लिए रख देंगे कि बैगन भी गल जाएंगे हमारे और ये मसाला भी भून जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, ये भी थोड़े से कसर है इसमें, बाकी गल रहे हैं। इसको हम चला देते हैं कि अच्छी तरीके से गल जाएं और इसमें हम 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर दें। बस ये हमारे बैगन तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, गल चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसको सर्व करेंगे। सो बस ये हमारे भंगारे बैगन तैयार हैं। इसको प्लीज जरूर ट्राई करेगा और कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।